दुनिया इन युवाओं को आंदोलनकारी छात्र कह रही है, युवा शक्ति कह रही है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे युवा छात्र कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी साड़ियां, उनके ब्लाउज, उनके अंडरगार्मेंट्स, उनकी ब्रा, ये सब लूट लिए और इसके बाद उन्हें कैमरे पर दिखाकर इनका ऐसा तमाशा बनाया, ऐसा अश्लील तमाशा बनाया जैसे कि ये हजारों लोग 76 वर्ष की शेख हसीना का उनकी गैर मौजूदगी में चीर हरण करके उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए ये दृश्य कितना विभत्स रहा होगा जिसमें 40,000 पुरुषों की भीड़ एक महिला के कपड़ों और उसके अंडरगार्मेंट्स का मजाक बनाकर उन्हें रौंद रही थी और ये सब देखकर वहां मौजूद लोग खुशी से जश्न मना रहे थे और ये तमाम लोग कह रहे थे कि उन्होंने शेख हसीना को हरा दिया है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि इन तस्वीरों ने बांग्लादेश को एक राष्ट्र के तौर पर हरा दिया है, एक समाज के तौर पर हरा दिया है और यह अपमान अकेले शेख हसीना का अपमान नहीं है, यह बांग्लादेश की उन 8.5 करोड़ महिलाओं का भी अपमान है जिन्हें अब हर घड़ी शायद यही डर रहेगा कि कहीं उनके साथ भी एक ना एक दिन ऐसा ना हो जाए। और सोचिए अगर शेख हसीना कल प्रधानमंत्री आवास में रुक गई होती या उन्हें वहां से भागने में कुछ मिनटों की और देरी हो जाती और ये वहशी लोग उन्हें वहां पर पकड़ लेते तो ये लोग शेख हसीना के साथ क्या करते, आज आप जरा कल्पना करके देखिए।